अमरीकापुर जिले में कार मालिक ने शोरूम के सामने अनोखा प्रसंग किया था, जहां गाड़ी को मालिक बैंड बाजे के साथ अपनी कार गाड़ी पर जूते चप्पल की माला पहनाकर नगर निगम की कबाड़ होने वाली गाड़ी बता रहा था और वह अपनी कार में कचरा लगाकर कंपनी का विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि कार के मालिक नसीम ने अपनी कार से कराने के लिए कार एजेंसी अमरीकापुर में दिया था, जहाँ उसे गारंटी वारंटी खत्म होने का हवाला देकर लगभग 1,00,000 रुपये का खर्चा थमा दिया, जिसको लेकर कस्टमर नाराज था। इसकी उसने कई बार प्रबंधन से शिकायत भी की, नहीं मानने पर उसने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बावजूद न्याय नहीं मिला। इस बात से नाराज हुआ और दुखी होकर 26 अगस्त को शोरूम के सामने ही अनोखा प्रसंग करते हुए अपनी कार को जूते चप्पल माला पहनाकर बैंड बाजे के साथ बारात निकालकर कंपनी के विरोध किया था और कहा था कि अगर 1 मिनट के अंदर उसको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा तो वह कार में नगर पालिका निगम के कचरे धोने का काम करेगा। और आज 26 सितंबर को 1 महीने बीत जाने के बाद पर वो अपनी कार में कचरा ले जाते हुए दिखे और आज 26 सितंबर को 1 महीने बीत जाने पर वो अपनी कार में कचरा ले जाते हुए दिख रहे हैं और साथ ही कार के ऊपर साउंड बॉक्स सिस्टम लगाया है, जिसमें नगर पालिका निगम में कचरा उठाने वाला गाना उस पर चल रहा है। हम एक क्रेटा गाड़ी जो खराब हो गई उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 17 जुलाई को गाड़ी आई थी अपनी यहाँ सर्विसिंग के लिए, जिसमें ये बताए कि आपका ये खराब हो गया है और वो भी ये इन्फॉर्मेशन दिए हैं 25 दिन बाद उत्तर होता है वो खराब हो गया। नाराजगी इस बात से की है कि 17 जुलाई को हम गाड़ी यहाँ लाए थे, चेक उक किए थे, गारंटी वारंटी पूरी थी, बट क्या हुआ कि ये 25 दिन बाद बता रहे हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है और आपका गारंटी भी रद्द कर दी गई। अभी 5 महीने पहले 4-5 महीने पहले ही लिया गया है गाड़ी और उसके बाद हमें 1,00,000 रुपये लगाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम लगा नहीं सकते, सक्षम नहीं है उतना 1,00,000 लगाने को। हमें जितना समय मिलेगा हम उस समय में जाके इसमें कचरा उठा के डालेंगे। हमें मैसेज ये देना है कि गाड़ी कोई भी लेता है तो इस चीज़ को क्लियर कर ले, या गारंटी वारंटी पे हो तो काम होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होना है तो इस चीज़ को बोले ही मत, शोरूम बोले मत कि नहीं हम गारंटी पे दे रहे हैं वारंटी पे दे रहे हैं। हमारी बात हुई लेकिन मैनेजमेंट में सामने वाले ये बोले कि आपको खुद से ही इस काम को करवाना पड़ेगा।